भारत के प्रत्येक राज्य में पारा मेडिकल का काउंसिल है, लेकिन बिहार यहाँ कैसा राज्य है जहाँ पारा मेडिकल का काउंसिल नहीं है? केंद्र सरकार, हमारा सेशन बहुत लेट है, हम लोग को हॉस्टल की सुविधा नहीं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ना हम लोग को स्टाइपेंड का पैसा दिया जाता है, हम लोग को कुछ नहीं है, जिला को हम लोग से पंद्रह मजदूरी कराया जाता है, स्टाइपेंड का पैसा दिया जाता है, हॉस्टल का सुविधा प्रदान किया जाए। बहुत कुछ समस्या है यहाँ, पारा मेडिकल का काउंसिल गठन नहीं है, हम लोग को हॉस्टल नहीं दिया जा रहा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग को पैसा देने में सच नहीं हो पाता, हम लोग को हॉस्टल दिया जाए और हम लोग काम करते उसका भी पैसा दिया नहीं जाता, हम लोग स्टाफ की तरह काम करते रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, कहा जाता है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार के रास्ते बाहर में अभी जो है कि देख सकते हैं कि बिहार जो पारा मेडिकल के छात्र हैं वो पारा मेडिकल के छात्र पटना के सड़कों पे उतर गए हैं और अपने हाथों में जो है कि बैनर भी लेकर के उतरे हैं, हमारी मांगों हमारी मांगे पूरी करो। साफ तौर पे जो है कि देख सकते हैं कि पूरे तरीका से जो है कि ये हाथों में बैनर लेकर के पटना के सड़कों पे निकल गए हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो है कि पटना के सड़कों पे क्यों उतर गए हैं, क्यों आप लोग सड़कों पे उतर गए हैं? हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करना है, हम लोग का सेशन भी समय पर नहीं है, ना लेक्चरर है, हम लोग दिन भर समाज का सेवा करते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता है, बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है, कई बार हम लोगों के सीनियर लोग सारे लोग इस पर एकजुट होकर के मांग उठा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, इसके बाद लास्ट में हम लोग को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। इसमें भी हम लोग कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने बात को अच्छे से रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सब लोग अपना मनमानी करता है, तो पीएमसीएच में ऐसे में हड़ताल किया जाएगा, सभी जब इलाज बंद होगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे मांग को पूरा करना ही होगा। हमारा सेशन बहुत लेट है, हम लोग को हॉस्टल की सुविधा नहीं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ना हम लोग को स्टाइपेंड का पैसा दिया जाता है, हम लोग को कुछ नहीं है, जिला को हम लोग से पंद्रह मजदूरी कराया जाता है, स्टाइपेंड का पैसा दिया जाता है, हॉस्टल का सुविधा प्रदान किया जाए। बहुत कुछ समस्या है यहाँ, पारा मेडिकल का काउंसिल गठन नहीं है, हम लोग को हॉस्टल नहीं दिया जा रहा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग को पैसा देने में सच नहीं हो पाता, हम लोग को हॉस्टल दिया जाए और हम लोग काम करते उसका भी पैसा दिया नहीं जाता, हम लोग स्टाफ की तरह काम करते रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। उतरे हैं इसलिए कि भारत के प्रत्येक राज्य में पारा मेडिकल का काउंसिल है, लेकिन बिहार यहाँ कैसा राज्य है जहाँ पारा मेडिकल का काउंसिल नहीं है? केंद्र सरकार 2021 में बोली थी कि जो भी राज्य पारा मेडिकल काउंसिल का गठन नहीं किया वो 6 महीना के अंदर काउंसिल का गठन कर ले, लेकिन बिहार की लापरवाही देखिए, 2024 आ गया अभी तक पारा मेडिकल काउंसिल का गठन नहीं हुआ, बिहार के छात्रों को अदर स्टेट में नौकरी करने में दिक्कत होती है, पारा मेडिकल के छात्र अदर स्टेट में जॉब नहीं कर पाते हैं, बिहार सरकार 5 वर्ष में भी कंप्लीट नहीं कर पाती है, 7 नीचा योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज बने हैं, जहां तक अभी भी स्थायी ट्विटर डेमोस्ट्रेटर लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई है, सब जुगाड़ के सहारे चल रहे हैं, कहीं पर क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे बस इतनी है कि कम से कम हमारा जो 2 साल का कोर्स उसको आप समय पे क्लियर करें, हम लोग का जो 2 साल का कोर्स है उसको 3 साल 4 साल 5 साल लगता है कंप्लीट होने में, कंप्लीट होने के बाद भी कोई बहाली नहीं है, आदमी प्राइवेट में काम कर रहा है, इधर उधर काम कर रहा है, इतना मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाने के बाद हम लोगों के माता पिता घर वाले सब लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी डॉक्टर बन चुका है, आगे इसका जिंदगी सेटल हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी ये चीज कर नहीं गए हैं, हम लोग को कराया जा रहा है, सरकार हम लोगों को ये करने के पीछे मजबूर कर रहा है, लास्ट में हड़ताल किया जाएगा, उसके बाद बोलेगा कि सब लोग इलाज नहीं कर रहा है, जिंदगी मर रहा है, आदमी का मरीज का इलाज नहीं हो रहा है, तो बंधुआ मजदूरी हम लोग कितना दिन तक करेंगे? डिग्री समय पे दे बस, क्या हमारा डिग्री हमें समय पे दे, डिग्री समय पे दे, नीतीश कुमार होश में आ जाए, नीतीश कुमार बेहोश कर दिए जाओगे, होश में नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, ये जो मेडिकल में पारा मेडिकल को सब बंधुआ मजदूर समझ के रख दिया, खाली मजदूरी करवा रहा है, सेशन भी
सेशन भी कंप्लीट नहीं कर रहा है और ये लोग अभी तक ले काउंसिल गठन कर रहे थे और कहीं पर भी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को वैल्यू नहीं किया जा रहा था। कहाँ तक ले सब सरकार का केवल काम करवा रहा है, काम के बदले हम लोग का स्टाइपेंड नहीं दे रहा है। एक तो एक सेशन भी नियमित नहीं कर रहा है, हम लोग जो एग्जाम दिए हैं तो उसके छह सात महीने बाद इंतजार करवा रहा है वो लोग, एक तो एग्जाम भी लेट से ले रहा है। तो हम लोग का सबसे मेन फोकस है कि काउंसिल का गठन करवाए और हम लोग को जितना से जल्द सेशन को नियमित किया जाए। हम लोग पंचवर्षीय योजना बना करके लोग रख दिया है तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग से और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरी किया जाए, नहीं तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे उनके गेट के पास जाकर, इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में पैरामेडिकल काउंसिल है सिवाय बिहार के। बिहार ऐसे क्या, बिहार के सरकार में आखिर क्या बात है कि सारे राज्यों में पैरामेडिकल काउंसिल है सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं। हमारी मुख्य दो ही मांगे है कि बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो और सभी कोर्सों का नियमावली बने। तो देखिए यहाँ पे ये पारा मेडिकल के छात्र हैं और पारा मेडिकल के छात्र जो है कि विधानसभा मार्च करने के लिए बेबस हो गए हैं। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि पूरे देश में जो है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पारा मेडिकल का काउंसिल नहीं है और भी तरह के जो है कि समय से डिग्रियां भी नहीं पूरी की जाती है। यहाँ पे विद्यार्थियों का कहना है, क्या कुछ कहना है विद्यार्थियों ने बखूबी कहा। आप लोगों की क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद जय बिहार।